नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम देख रहे थे कि किस तरह से हिंदी लड़खड़ाती हुई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत थी। अदालत की भाषा के रूप में उर्दू को स्वीकार किया जा चुका था। चलिए अब आगे देखते हैं शुक्ल जी ने क्या लिखा है। तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू के अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी के अक्षर में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू पक्षपातियों का जब जोर बढ़ा तब उसका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गरसा दत्तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे झगड़े में योग दिया। बैठे फ्रांस में थे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही रह जाती है कि बैठे कहीं रहेंगे और यहाँ के लोग उनका सुनेंगे भी और वो बीच में टांग अड़ाएंगे। चलिए, ये बात याद रखिएगा कि शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक ये झगड़ा चला था। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था, समझ रहे ना। यहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद खान, जो अंग्रेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदू विरोध में और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेजों को सुझाया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त हैं, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है, दोनों सामी या पैगंबरी मत मानने वाले हैं। जिस गरसा दत्तासी ने संवत 1919 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था, देखिए एक समय पर सर सैयद अहमद खां भी हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रबल समर्थक रहे। बाद में ये राजनीति में और पता नहीं किसके बुलावे में आके घोर इन्होंने विरोध किया था। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये बोल चुके थे गरसा दत्तासी, लेकिन बाद में वही गरसा दत्तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करते हिंदी के संबंध में फरमाते हैं। देखिए क्या फरमाते हैं। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली यानी डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग की बोली जाती है। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर अब आपने मजहबी रिश्ते का ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा हिंदी में उर्दू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके अनुसांगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है, इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। संवत 1927 में अपने आख्यान में गरसा दत्तासी ने साफ खोल कर कहा, मैं सर सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, एंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण एंजील की शिक्षा नहीं मानते। परंपरा से चली आती हुई देशभाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा के विधान में
देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर मात्रा परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद मैदान में आए। ठीक है, यहाँ से ये प्रकरण समाप्त होता है और प्रकरण दो शुरू होता है, आधुनिक काल गद्यखंड प्रकरण दो, गद्य साहित्य का आविर्भाव। अभी तो आप देख रहे थे कि हिंदी किस तरह से अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जूझ रही थी, लेकिन आखिरकार जब हिंदी को शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार देना ही पड़ा, भले ही बेमन से और जबरदस्ती से अधिकार छीना गया ये कह सकते हैं, लेकिन देना तो पड़ा ही। फिर गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ, है ना, क्योंकि गद्य तो हिंदी में गद्य साहित्य तो था नहीं ना उस समय तक, आपने पहले ही पढ़ा है, बहुत कम पाया जाता है रहा था, कुछ वार्ता साहित्यों में ऐसे ही थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी। इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। नाम हिंदी का लिया जाता था, लिखी उर्दू ही जाती थी वास्तविकता में। संबत 1913 में अर्थात बलबे के एक बरस पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिसके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी ना सीखनी पड़े। हम लोग से आप कुछ भी कह दीजिए, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़े, उर्दू सीखनी पड़े, हम कुछ भी सीख लेंगे, हम अपनी भाषा को उतने सम्मान से नहीं देखते हैं, फिर बाद में कुछ नई भाषाएं सीख के अपनी भाषा को भी ये दृष्टि से देख सकते हैं, हम में उतनी काबिलियत है, सब में नहीं होती है। उनको ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें हिंदी सीखनी पड़े, अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जा रही है, तब एक और जबान का बोझ क्यों बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे, अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ अरबी फारसी के चलते शब्द भी आ जाएं, क्योंकि अगर खालिस के चक्कर में पड़ते, प्योर के चक्कर में पड़ते तो और भी ज़्यादा उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी, राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए। पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। कई वर्षों तक देश में मुस्लिम शासक, मुगल शासक थे, मुस्लिम शासक थे, हिंदी तो वैसे ही दब गई थी, फारसी राजदरबारों की भाषा हो गई थी। बहुत संघर्ष झेला है, हमें सम्मान इसका बहुत करना चाहिए। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। संवत 1909 से और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकाली, जिसमें कुछ का उल्लेख किया जा रहा है। अब देखिए जहाँ से हमारी हिंदी ने धीरे धीरे खड़ा होना सीखा। पंडित वंशीधर ने आगरा नॉर्मल स्कूल के जो मुदरसरिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला, जिसमें हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। उनके लिखी पुस्तकों के नाम पुष्पवाटिका, गुलदस्ता के एक अंग का अनुवाद था संवत 1919 में, भारतवर्षीय इतिहास संवत 1913 में,
जीविका परपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, 1913 में लिखी गई थी। जगत वृत्तांत संवत 1915 में, पंडित श्रीलाल जी ने संवत 1919 में पत्र मालिका बनाई। दर्शा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। बिहारी लाल ने गुलिस्तां को 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद 1919 में किया। पंडित बद्रीनाथ ने वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, जो न्यायशास्त्र का ग्रंथ था, और उपदेश पुष्पावती नाम की दो पुस्तकें और निकली। ठीक है, यहाँ ये कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी, उसमें उर्दूपन नहीं भरा था। जो उनकी पिछली किताबें जैसे इतिहास, तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है, मतलब बाद की पुस्तकों में जो दिखाई पड़ता है वो पहले की पुस्तकों में नहीं था। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना के कुछ अंश उद्धृत किए जाते हैं। चलिए, जहाँ से गद्य का आविर्भाव माना जाता है, देखिए हिंदी शुरुआत में कैसी थी। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराजा भोज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर निभाते हैं। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोना चांदी और रत्नों का खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को भी लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है, इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य ग्रंथ धर्मशास्त्र है, उसको कोई भी हिंदू अप्रमाणिक नहीं कह सकता। वेदों में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के भी अपने मानव धर्म शास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद सिंह की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ से भी उन्होंने ऐसी चलती ठेठ हिंदी भाषा के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग है। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पुस्तक थी उन्होंने थोड़ी ही संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संवत 1916 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। बाद में इनका भी झुकाव उर्दू की ओर हो गया था। कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर, दबाव भी होता है। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी हैं उसका भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए हुए है। इतिहास तिमिरनाशक भाग दो की अंग्रेजी भूमिका में, जो संवत 1864 में लिखी गई, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने 45-25 की भाषा का अनुकरण किया है। I may pardon for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household words from our Hindu bulls and use in their steeped Sanskrit words, quite out place and fashion, or those coarse expression which can be tolerated among the rustic population. I have adopted certain extent the language of the Betal Pachisi.
लल्लू लाल जी के प्रसंग में ये कहा जा चुका है कि बेताल पच्चीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है, अतः कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम की खास पसंद हो, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ पढ़ सकें और जो यहाँ पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं। और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में ना लाने चाहिए और ना संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। जब तक कि हम लोगों को उसकी जारी करने की ज़रूरत साबित हो जाए, अर्थात यह है कि अर्थ का कोई शब्द हमारी जबान में नहीं है या जो अच्छा है या जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत, इल्मी ज़रूरत या कोई ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए तब आप नए शब्द बनाइए, नहीं तो उर्दू फारसी के शब्द लिए रहिए, संस्कृत को मत देखिए। चलिए, भाषा संबंधित जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी भाषा कहाँ तक ठीक है पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के प्रति प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर है। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा भी उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश की प्रकृति, प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हजारों वर्षों से चला आता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। ये प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आ गया है। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। मतलब ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जा सकता था, काम नहीं हो सकता था, हिंदी में वो क्षमता ही नहीं थी, वरन बहुत सारे लोग इसके लिए आगे भी नहीं आए थे। सिर्फ अकेले अभी यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह ही आगे आए। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुल गईं। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। देखिए उन्होंने किस तरह की भाषा रखी थी। अनुसुईया, हौले प्रियंवदा से, सखी मैं इसी सोच विचार में हूँ, अब इसी से कुछ पूछूंगी। महात्मा, तुम्हारे वचनों में के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा के विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। और बताइए, बढ़िया भाषा लिखी है। ये भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य के में चिरकाल से व्यवहारित संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए हैं। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपने मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किए हैं। ठीक है, देखिए इनके मत। देखिए, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियां म्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े लिखे हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं,
उर्दू में अरबी फारसी के, अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए, ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े। ठीक है, अब भारत की देश भाषा के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह से जा चुका था। उसमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भारतीय परंपरा से अनभिज्ञ हो गए थे, उन पर ये बात अच्छी तरह प्रकट हो गई थी कि उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिनकॉट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। आप भी बनाए रखिएगा, आयोग भी इनका स्मरण कर सकता है। इनका जन्म 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया था और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। वहीं से वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्ण रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिनकॉट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। उसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का भी अभ्यास किया। इंग्लैंड में ही बैठे ही बैठे उन्होंने दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया जिसमें कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छपवाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्राकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं, पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। ठीक है, संवत 1947 में उन्होंने उपर्युक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आयन सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिनकॉट साहब करते थे। उन्होंने इसमें कुछ प्रश्न हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र के से उदाहरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का एक सेकंड, भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिनकॉट साहब की दो चार पत्र मिलेंगे। क्या बात है, हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1992 में वे रियास घास की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान आए, पर साल भर के कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, तब उनकी भाषा देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। ध्यान रखिएगा किसकी भाषा देख के प्रसन्न हुए थे, पिनकॉट साहब। महत्वपूर्ण है लक्ष्मण सिंह की शकुंतला नाटक की भाषा देखकर, उसका बहुत ही सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रंग रूप की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना ये विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली पद्य की भूमिका के रूप में लिखा। देखिए उसमें वे क्या कहते हैं। फारसी मिश्रित हिंदी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई।
पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी ये भाषा कही जाती है इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव खो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा है। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश लिखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले, प्रजाहितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक ईसाई धर्म प्रचार करने आगरे सिकंदरे से निकला था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ में जो अवध अखबार उर्दू से निकलने लगा था उसके कुछ भाग में भी हिंदी के लेख भी रहते थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। उन्होंने संबत ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पंजाब में हिंदी की रक्षा के लिए हिंदी की रक्षा कौन कर रहा था, ठीक है। संबत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक माँ के गोद में रहीं। पंजाब में स्त्री शिक्षा प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रसार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाली में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संबत 1924 में उनकी ज्ञान प्रदानी पत्रिका निकली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञानपूर्ण लेख भी कहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा हिंदी जिस गद्य के प्रचार में सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ा जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद सिंह को। विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की थी। संवत 1923 के उनके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खान साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वे खास मुसलमानों की भाषा है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ के बहुत से अरबी फारसी शब्द भर गए। पद्य छंदोबद्ध रचना के लिए भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का ये कर्तव्य है कि वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविताओं के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। देखिए यहाँ पे लोग अपने चक्कर में कैसे भाषाओं की शक्ति तो हम प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, लेकिन भाई अब देखिए हमारी बात किसी को अच्छी बुरी लगी हो तो हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इतना समय देने के लिए, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।